हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जैसिका कपूर फिर से ले आई हूँ आपके लिए एक बजट फ्रेंडली और मज़ेदार ट्रिप टू कश्मीर। मैं बताऊंगी आपको कि कश्मीर की ट्रिप बिल्कुल बजट में कैसे करें, वो भी विद नो कॉम्प्रोमाइज विद योर कंफर्ट। बस इतने में ही एक्साइटेड हो गए ना, तो पूरा सुन के ही जाओ कि इस पैकेज में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स अवर आइटनरी। डे वन, आपको श्रीनगर अपने हैंड से पहुंचना होगा बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन। बाय फ्लाइट आप डायरेक्ट श्रीनगर की फ्लाइट ले सकते हैं। बाय ट्रेन आपको 3 स्टेशन पे उतरना होगा, जम्मू, उधमपुर या कटरा। वहां से बाय कैब या बाय बस आपको श्रीनगर पहुंचना होगा। वहां से आपकी जर्नी 6 आवर्स की रहती है। जहां भी आप उतरते हो श्रीनगर एयरपोर्ट या टैक्सी स्टैंड, हमारा एग्जीक्यूटिव आपको वहीं से पिकअप करेंगे एंड होटल ड्रॉप करेंगे। वहां आपको होटल में चेक इन होगा, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट अप एंड फ्रेशन अप होने के बाद हमारा ड्राइवर आपको लेकर जाएगा श्रीनगर की लोकल साइट सींग के लिए। लोकल साइट सींग बेसिकली गार्डन्स के ऊपर होती है, जैसे कि मुगल गार्डन, निशात बाग, बोटेनिकल गार्डन, चाशमी शाही और परी महल। ये सब साइट सींग करने के बाद इवनिंग में आपको 1 आवर की शिकारा राइड करवाई जाती है। लेट नाइट आपको होटल ड्रॉप करवाया जाएगा एंड डिनर एंड ओवरनाइट स्टे आपका होटल में ही रहेगा। डे टू, डे एक्सकर्शन टू सोनमर्ग। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप जाते हैं डे ट्रिप टू सोनमर्ग। सोनमर्ग में आपको ऑन द वे माउंटेन व्यू देखने मिलता है। सोनमर्ग में सबसे फेमस जगह है ताजवर ग्लेशियर 0.0°, वो भी आपको विजिट करवाया जाएगा। और सोनमर्ग अपने रोलिंग माउंटेन्स एंड ग्रीनरी के लिए ही फेमस है। सोनमर्ग में आप स्नो एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे स्केटिंग, पोनी राइड एंड स्नो स्कूटर। ये सारी साइट सींग करने के बाद आपको होटल ड्रॉप किया जाता है, डिनर प्रोवाइड होता है एंड ओवरनाइट स्टे आपका श्रीनगर के होटल में ही रहता है। अब चलते हैं डे 3 की ओर, डे एक्सकर्शन टू गुलमर्ग। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप जाते हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग से पहले पड़ता है टनमर्ग। टनमर्ग की लोकल साइट सींग कवर करवाई जाती है आपको। टनमर्ग एक विलेज है, उसके बाद आपको लेकर जाते हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग में सबसे फेमस है गंडोला राइड। गंडोला राइड जो है वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट केबल रोप राइड मानी जाती है, जिसकी टिकट्स आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है। वहां पर आप और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि स्कीइंग, जॉर्बिंग, पोनी राइड एंड गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए ही फेमस है। ये सारी साइट सींग करने के बाद आपको होटल ड्रॉप किया जाता है, डिनर प्रोवाइड होता है एंड ओवरनाइट स्टे आपका श्रीनगर के होटल में ही रहता है। डे 4, इसमें आपका होता है डे एक्सकर्शन टू पहलगाम। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप जाते हैं पहलगाम एंड पहलगाम में ऑन द वे आपको एप्पल ऑर्चिड, सैफ्रन फील्ड एंड बैट फैक्ट्री विजिट करवाया जाता है। उसके बाद सबसे फेमस है एबीसी वैली, जो की है आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी। और वहाँ पर बायसरन भी घुमाया जाता है, जिसको वर्ल्ड का सेकंड मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। बायसरन में सबसे फेमस एक्टिविटी है ज़िपलाइनिंग। फिर ये सारी साइट सींग के बाद आपको लेट इवनिंग डल लेक में हाउस बोट में ड्रॉप करते हैं। वहाँ आपका चेक इन होता है एंड आपका ओवरनाइट स्टे रहता है हाउस बोट में, और वहीं पर आपको डिनर प्रोवाइड किया जाता है। डे 5, आफ्टर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में आपको हाउस बोट से चेकआउट हो जाता है। उसके बाद शंकराचार्य टेम्पल विजिट करवाते हुए एयरपोर्ट या टैक्सी स्टैंड ड्रॉप कराया जाता है। आपकी जर्नी हमारी तरफ से वहीं एंड हो जाती है। अब मैं इस 4 नाइट 5 डेज के पैकेज में क्या इंक्लूड रहेगा वो बताती हूँ। वेलकम ड्रिंक्स ऑन अराइवल, मेन इंक्लूड होता है ब्रेकफास्ट एंड डिनर। लंच आपका अपने एंड पर ही होता है। 3 नाइट स्टे आपका श्रीनगर के होटल में रहता है एंड 1 नाइट स्टे हाउस बोट में। कैब सर्विसेज हमारी तरफ से पैकेज में इन 4 डेज के लिए इंक्लूड रहती है। एयरपोर्ट एंड टैक्सी स्टैंड से पिकअप ड्रॉप आपका हमारी तरफ से ही रहता है। अब मैं आपको एक्सक्लूजन्स भी बता ही देती हूँ। किसी भी ट्रेन और फ्लाइट का फेयर इंक्लूड नहीं है। कोई भी कैमरा के चार्जेस इंक्लूड नहीं रहेंगे। कोई भी पर्सनल एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो वो अपने एंड पर ही करनी पड़ती है। जो हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं वो है डल लेक पर शिकारा राइड, ट्रेडिशनल क्लोथ्स में एक फोटोग्राफ, डेली 1 मिनरल वाटर बॉटल पर पर्सन एंड एंड ऑफ द ट्रिप हमारी साइड से एक सरप्राइज गिफ्ट जरूर मिलेगा। पैकेज के बारे में और जानकारी जानने के लिए हमें कॉल करें 8010707888 पर, या हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.holidaytravelzone.com पर। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।